My friends, it's a great joy to see you all today. मेरे प्रिय मित्रों, आप सब से रूबरू होना बड़े आनंद की बात है. And even in this program, I know that God will speak to you. और मैं जानता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे. Even at this moment, my friends, I believe that the Lord has a special anointing and a blessing to give you. और इस क्षण भी मैं विश्वास करता हूँ मेरे मित्रों कि परमेश्वर ने आपके लिए एक विशेष अभिषेक और आशीष को रखा हुआ है. So treasure this moment, my friends. तो आप इस क्षण को संजो ले मेरे मित्रों. And believe in the Lord's word that comes to you. और परमेश्वर के वचन पर जो आप ले आएगा विश्वास करें. Apply it in your life. और उसे अपने जीवन में लागू करें. And I'm sure that the Lord will bless you according. और मुझे निश्चय है परमेश्वर उसके अनुसार आपको निश्चय ही आशीष देंगे. Blessed is the man who clings on to him. धन्य वो व्यक्ति जो उससे लिपटा रहता है. He is the only one who knows us because he created us. वो एकमात्र हैं जो हमें जानते हैं क्योंकि उनने हमारी रचना की है. He is the only one who knows our heart. वो एकमात्र है जो हमारे हृदय को जानते हैं. Knows how to bless us. ये भी जानते हैं हमें कैसे आशीष दें. Because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर हैं. And today he is going to bless you in the same way. और आज वो उसी तरह से आपको आशीष देने जा रहे हैं. He is going to make you a blessed man. और वो आपको एक धन्य और आशीषमय व्यक्ति बनाने जा रहे हैं. When we have a God who is powerful. जबकि हमारे पास एक सामर्थ्य ईश्वर है. Who is able to do anything for us. जो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है. Who watches over us 24/7. जो 24 घंटे सातों दिन हम पर निगरानी करता है. Trust in the Lord. प्रभु पर भरोसा करें. And cling on to him. और आप उससे लिपटे रहें. And then you will receive the real success in your life. और तब आप अपने जीवन में सच्ची सफलता को प्राप्त करेंगे. That is what God expects us to do today. और यही आज परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम उसके लिए करें. Look at Job in the Bible, my friends. मेरे मित्रों, आप बाइबल में अय्यूब को देखें. When he lost all his children, all his possessions. जब उसने अपने सारे बच्चों को और अपनी संपत्ति खो दी. When he lost his health. जब उसने अपना स्वास्थ्य खो दिया. His friend Bildad came to him and said in Job 8:7. हम देखते हैं कि अय्यूब 8 और वचन 7 में उसका मित्र बिलदाद आकर उससे यूं कहता है. He says your beginnings might seem to be humble, but how prosperous your future will be. वह कहता है चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती. Those words of encouragement blessed Job. और उन ढाढ़स देने वाले वचनों ने अय्यूब को बहुत आशीष दी. And you saw how Job's end was. और आपने देखा अय्यूब का अंत कैसा हुआ. God made him so prosperous. परमेश्वर ने उसे इतना उन्नत किया. So prosperous. इतना ज्यादा उन्नत. That is how he wants our end to be as well, my friend. और वो चाहता है कि हमारा भी अंत बिल्कुल वैसा ही हो मेरे मित्रों. Your life might seem so pointless right now. इस समय आपको शायद अपना जीवन बिल्कुल दिशाहीन लगता हो. So dull and so routine. वह इतना उदासीन और एक सा लगता है. But when you receive your purpose from God. लेकिन जब आप परमेश्वर से अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे. He will make your life to be prosperous as well, my friends. तो वो आपके जीवन को भी बिल्कुल उन्नत करता जाएगा मेरे मित्रों. He'll make you have a bright future. और वो आपको ऐसा करेगा आप एक उज्जवल भविष्य पाएं. And today that is what the Lord has come to do right now. और इसी समय परमेश्वर वही करने के लिए आए हैं. If you believe right now, will you pray with me? अगर आप विश्वास करते हैं तो क्या आप मेरे साथ अभी प्रार्थना करेंगे? Loving Lord Jesus. प्रेमी प्रभु यीशु. We come to your presence knowing that you're a living God. हम आपकी उपस्थिति में ये जानते आते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं. Knowing that you're watching over us all the time. ये जानते हुए कि आप हमेशा हमारी निगरानी करते हैं. That you hear all our prayers. हमारी हर एक प्रार्थना सुनते हैं. Hear all our heart's cry. हमारे हृदय की पुकार को सुनते हैं. See all our tears. हर एक आंसू को देखते हैं. See all our weaknesses, Lord. हर एक कमजोरी को देखते हैं प्रभु. Father, right now we make a pact that we will cling on to you, Lord. हम आपसे एक वाचा बांधते हैं प्रभु जी कि हम आपसे लिपटे रहेंगे प्रभु. And right now, Father. और इसी समय पिता. Just as you blessed Job. जैसे आपने अय्यूब को आशीष दी. Just as you blessed Abraham. जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी. We pray that you will give us a prosperous future. हमारी प्रार्थना है आप हमें एक उन्नत भविष्य देंगे. Make us grow. और आप हमें बढ़ाएंगे. And as they cling on to you. जब ये आपको थामे रहते हैं प्रभु जी. Raise them up. आप उन्हें ऊंचा करें. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. सारी महिमा आपको देते हैं. जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं. आमीन. आमीन.